कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी, मध्य भाग में सरस्वती जी और हाथ के निचले हिस्से में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, इसलिए दोनों हाथों का सुबह उठते ही दर्शन करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम शमस्व मे। हे विष्णु पत्नी धरती माता, संसार के समस्त समुद्र जिनके वस्त्र हैं और समस्त पर्वत मंडल जिनके स्तन हैं, ऐसी विष्णु जी की पत्नी को मैं अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूं, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। टेढ़े सूंड और विशाल शरीर वाले गणेश जी, आपका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, आप मेरे समस्त कार्यों को हमेशा ही बिना किसी बाधा के पूर्ण कीजिए। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विरध्यानगम्यम, वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। शांत मुद्रा में रहने वाले, शेषनाग पर विराजित होने वाले, जिनके पैरों में कमल प्रतीक के रूप में है, जो विश्व के आधार हैं, जो आकाश के समान विशाल हैं, जिनका बादलों के समान रंग है, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जो माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है और जो समस्त ऋषि मुनियों को योग के द्वारा प्राप्त हैं, मैं ऐसे विष्णु भगवान को नमस्कार करता हूं जो समस्त लोगों के दुखों को दूर करते हैं। नागेंद्र हाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्रेष्ठ सर्पों को मालाओं के रूप में धारण करने वाले, तीन नेत्रों वाले, जिन्होंने पवित्र भस्म को शरीर पर लगाया हुआ है, जो नित्य हैं, जो शुद्ध है, आकाश जिनके वस्त्र हैं, जो नहीं के रूप विद्यमान है, ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूं। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे गौरी नारायणी, आप सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली हैं। भगवान शिव भी सभी प्रकार की कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपकी साधना करते हैं। हे गौरी, मैं आपकी शरण में आकर आपको नमस्कार करता हूं। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षणम पुंसा महापातक नाशनम। भगवान श्री राम का चरित्र हजारों करोड़ों विश्वों तक फैला हुआ है, जिसका एक एक अक्षर मनुष्य के महान पापों को नष्ट कर सकता है। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वास्मरन नलोन लिप्पते पापं भुक्ति मुक्तिं च विन्दति। नर चाहे राम या रामद्राय या रामचंद्र के नाम से स्मरण करें, वो पापों में लिप्त नहीं रहेंगे और उन्हें सुखों का आनंद और मुक्ति प्राप्त होगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणद क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेव के पुत्र, हरि
सर्वात्मन को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं, जो मेरे समस्त क्लेशों दुखों का नाश करेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरीं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। मैं उन परमानंद भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, जिनकी कृपा से गूंगे को वाणी मिलती है और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों को लांग जाता है। या कुंदेन्द तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रानृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हे श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली, मोगरे के समान श्वेत, चंद्रमा के समान सुंदर, वर्षा की बूंदों की माला जिन्होंने धारण कर रखी है, जिनके हाथों में वीणा सुशोभित है, जो श्वेत कमल पर विराजमान है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देवताओं द्वारा पूजनीय है, ऐसी माता सरस्वती को मैं नमस्कार करता हूं। मां मेरी भूलों को क्षमा करें और मेरी पूर्णतः रक्षा करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं वासुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने कंस और चारुण का नाश किया है और जो माता देवकी को परमानंद प्रदान करते हैं और जो इस जगत के गुरु हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है, गुरु ही साक्षात श्रेष्ठ ब्रह्म है, इसलिए मैं गुरु को नमस्कार करता हूं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हे दीपक की ज्योति, आप शुभ और कल्याण करने वाली हैं, आरोग्य और धन संपदा देने वाली और शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। हे दीपक की ज्योति, आप ही श्रेष्ठ ब्रह्म है और आप ही वो भगवान हैं जो मेरे पापों का हरण करेंगे, इसलिए हे संध्या के दीपक, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कस्तुरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्तरे कौसुभम नासाग्रे वरमोक्तिकम करतरे वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितम विजयते गोपाल चूड़ामणि। जिनके मस्तक पर श्रेष्ठ कस्तूरी तिलक है और वक्ष स्थल पर कौस्तुभ आभूषण है, जो नाक में श्रेष्ठ मोती को धारण किए हैं, जिनके हाथ में बांसुरी है और जो हाथों में कंगनों को धारण किए हुए हैं, जिनके सभी अंगों पर चंदन का लेप किया हुआ है, जो गले में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं और जिन्हें चारों ओर से गोपियों ने घेरा हुआ है, ऐसे ग्वाले भगवान श्री कृष्ण की सदा विजय हो। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जो भी कार्य मैं इस शरीर मन वाणी बुद्धि आत्मा प्रकृति या स्वभाव के द्वारा कर रहा हूं, उन समस्त कार्यों को मैं भगवान नारायण को समर्पित करता हूं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव
तमेव सर्वम मम देव देव। हे भगवान, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही मेरी विद्या है, आप ही मेरे धन है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। ओम असतो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिर्गमयो, मृत्युर्मा अमृतम गमयो। हे भगवान, आप मुझे असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बद्धुजनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजिता, न तु धनम विद्या विहीनम पशु। मनुष्य में जो विद्या रूपी धन है, वो उसकी सुंदरता से भी अधिक उसमें छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या ही हमें सुखों का आनंद देती है, विद्या ही हमें यश प्रदान करती है, विद्या ही हमें उपभोग की वस्तुएं प्रदान करती है। इसीलिए विद्या गुरुओं की गुरु है। यही विद्या विदेश में आपके भाई के समान है, और विद्या ही श्रेष्ठ देवता है। राजाओं की पूजा भी उनकी विद्या से होती है, न कि उनके धन से। इसीलिए विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ही पूर्ण ब्रह्म है, ओम ही विश्व है, और ब्रह्म से ही ब्रह्म को प्राप्त किया गया है। यदि पूर्णता में से पूर्ण को निकाला जाए तो भी पूर्ण ही शेष बचता है, अर्थात ब्रह्म में से ब्रह्म को निकालने पर ही ब्रह्म ही बचता है। ओम सर्वत्र सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख प्राप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी स्वस्थ हों, सभी श्रेष्ठता को प्राप्त करें, और दुख किसी को भी प्राप्त न हो। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले, और हाँ शेयर जरूर करें ताकि औरों को ये जानकारी मिल सके। और इस वीडियो में यदि कमी हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। आप मेरे चैनल पर क्या क्या और जानकारी चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं।